सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में और मेरे चैनल पर बस व्लॉग्स में। तो आज हम लोग पोकेमॉन वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है गाइस कि अगर मैं जिम लीडर होता तो मेरी पोकेमॉन टीम क्या होती। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम लोग इंट्रो देख के आ गए, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला स्टार्टर लेना चाहूँगा सिनो से। तो सिनो से मैं लूँगा इन्फरनेप को, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। तो हमारा पहला टीम का पोकेमॉन है इन्फरनेप। तो इन्फरनेप मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं और इसके पास ब्लेज एबिलिटी है, तो ये कुछ भी कर सकता है हारते समय। तो यही मेरी चॉइस थी। अब हम लोग सेकेंड चॉइस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारा सेकेंड पोकेमॉन है जो सिनो से है और बहुत ओपी पोकेमॉन है, ड्रैगन टाइप गार्चोम। गार्चोम को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके बेस स्टैट ओपी है और ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है और इसके पास एक मेगा इवोल्यूशन तक है, तो इसलिए मैंने गार्चोम को चूज़ किया। और अब मैं बढ़ता हूँ अपने थर्ड चॉइस की तरफ। तो हमारा थर्ड पोकेमॉन है हमारी पोकेमॉन टीम के लिए ईवी। गाइस, ईवी होवन रीजन से ईवी ग्रास टाइप पोकेमॉन। अरे कहना क्या चाहते हो? मजाक कर रहा था। हमारा थर्ड पोकेमॉन है ग्रास टाइप स्केप्टाइल। तो मैंने सेप्टाइल को इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे ग्रास टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत थी और इसके स्टैट्स अच्छे लगे मुझे होवन में, और इसके पास एक मेगा एवोल्यूशन है, इसलिए मैंने स्टेप्टाइल को लिया। तो ये मेरा पोकेमॉन का, ये मेरी टीम का थर्ड पोकेमॉन था। तो चलो अगले पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारा फोर्थ पोकेमॉन है एक और होवन का पोकेमॉन जिसका नाम है एम्फरोस। तो एम्फरोस को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन की ज़रूरत थी और इसको ग्राउंड टाइप मूव्स भी आते हैं और इसके स्टैट्स भी मस्त थे और मुझे पता नहीं आजकल ये बहुत अच्छा लगने लग गया है। तो और इसके पास एक मेगा एवोल्यूशन तक है। तो ये मेरे टीम का फोर्थ पोकेमॉन है। तो हमारी टीम का फिफ्थ पोकेमॉन एक फ्लाइंग टाइप है सिनो का, तो उसका नाम है स्टैराप्टर। तो मैंने स्टैराप्टर को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि फ्लाइंग टाइप अच्छा है और इसने बहुत सारे पोकेमॉन्स को हराया, मैंने इसको देखा भी, एकदम पावरफुल पोकेमॉन है और मुझे फ्लाइंग टाइप चाहिए भी था। तो ये मेरी टीम का फिफ्थ पोकेमॉन है। अब इसके बाद हम लोग आखिरी पोकेमॉन के बारे में गेस करते हैं, तो वो तुम लोग को पता होना चाहिए। चलो, तो हमारी पोकेमॉन टीम का आखिरी पोकेमॉन है, सस्पेंस बना लो गाइस, वो है कैलोस रीजन से ग्रेनिंजा। तो गाइस, मैंने ग्रेनिंजा को अपनी टीम में इसलिए चूज़ किया, ऑब्वियसली भाई ये फैन फेवरेट पोकेमॉन है, मेरा भी फेवरेट है। तो और इसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे मूव्स भी है जैसे वाटर शुरिकेन, आइस बीम, और इसके पास एक नया फॉर्म भी है एज़ ग्रेनिंजा का। तो चलो अब हम पूरी टीम दिखा देते हैं आप लोग को। इन्फर्नेप, मेगा गार्चोम, मेगा सेप्टाइल, स्टैराप्टर, दिस इज ओबी, मेगा एम्फरोस मैन, और आखिरी है ग्रेनिंजा द लेजेंड मैन। तो गाइस, होप आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो में। तो गाइस, वीडियो ख़त्म, चलो निकलो यहाँ से। अब मैं ऑल इंडिया रेडियो थोड़ी हूँ तुम्हारे लिए, बचता रहूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, इतनी भी जल्दी नहीं है जाने की। और देख लो कैसे करते, नहीं तो फिर आके आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो तब तक के लिए पीस आउट।